वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी साखी दा विशा है लंगर दी प्रीख्या। गुरु दे लंगर विच कोई किसी भी समा आए, जेकर वह भुखा है तो उसनों लंगर जरूर ही छकाउणा चाहिए है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे दरबार विच संगतां दा हमेशा तांता लग्या रहिंदा सी। दूरों सरदालू आई संगत लई कई स्थानां उत्ते लंगर अते होर सुख सुविधावां जुटाईयां जांदियां सन। इस कार्य लई कई पूंजीपति सरदालू सिंघां ने अपनी व्यक्तिगत लंगर सेवावां पेश कर रखियां सन। कुंज पूंजीपति अपना नाम कमाण लई भोजन बहुत ही उत्तम अते स्वादला तैयार करदे सन अते संगतां नूं अपने वल आकर्षित करन लई सेवा विच कोई चूक नहीं रहण देंदे सन। इस प्रकार गुरु संगत बहुत खुश सी अते उह कुछ विशेष पूंजीपतियां दी वडियाईयां भी करदियां सन। गुरु जी दे दरबार विच अक्सर इस गल की चर्चा भी बहुत होण लगी कि फलाना लंगर अति प्रशंसा योग कार्य कर रहा है। एक दिन गुरु जी दे दिल विच विचार आया कि क्यों ना इन्हां लंगरां दी प्रीख्या लई जावे कि वह वास्तव विच निष्काम सेवा भाव रखते हैं जां केवल कीर्ति अते जस अर्जित करन दे विचार वल्लों संगत नूं लुभा रहे हैं। आप जी एक दिन लगभग अद्धी रात दे समय वेश शिंगार किसानां वाली धारण करके वारी वारी सारे पूंजीपतियां आदमियां दे लंगरां विच गए अते बहुत नरम भाव वल्लों आग्रह किया कि मैं दूर प्रदेशां वल्लों आया हाँ, मैनूं देर हो गई है, भुखा हाँ, कृपा करके भोजन करा दिओ। सारिया ने एक ही जवाब दिता, खाद्य समग्री खत्म हो गई है, कृपा करके सवेरे पधारो, जरूर ही सेवा की जाएगी। अखीर विच गुरु जी भाई नंद लाल गोवा जी दे लंगर विच गए। वह भी सुन जा रहे सन पर किसान की प्रार्थना सुनते ही सतर्क होए अते उसनों बहुत स्नेहपूर्वक बिठाया अते कहा कि तुसी थोड़ी जिही उड़ीक करो, मैं हुणे तुहाडे लई भोजन तैयार कर देंदा हाँ। अते वह बचा खुचा भोजन गर्म करन लगे अते जो प्रातःकाल रही रस्त रखी हुई सी उस विचों प्रशादे तैयार करन लगे। कुछ ही देर विच भोजन तैयार हो गया। किसान नूं बहुत आदर भाव वल्लों भरपेट भोजन कराया अते उसनों संतुष्ट करके विदा किया। अगले दिन गुरु जी ने रात की घटना अपने दरबार में सारी संगत नूं सुनाई कि कौन किस मन वल्लों सेवा कर रहा है। सारे लंगरां विचों भाई नंद लाल गोवा जी दे लंगर नूं उत्तम घोषित किया गया। गुरु प्यारी सतसंगत जी, ये साखी तो सानू ये सिक्ख्या मिलती है कि जो भी असी सेवा करनी है गुरु की खुशी लैण वास्ते करनी है, ना कि लोगों नूं विखाउण वास्ते ते ना ही लोगों की वडियाई खट्टण वास्ते। जिहड़ा गुरु का प्यारा गुरु की खुशी लैण वास्ते सेवा करता है, गुरु उस दियां खुशियां दे नाल झोलियां भर देंदे हन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।